What's up and welcome back to my channel. So it's me, Saurabh Gunaji, starting off with this brand new vlog. So basically, aaj ka din ek number hone wala kyunki this vlog is going to be my first vlog of this monsoon season. Anyways, aaj hum logon ne plan kiya jaane ke liye Harvalem Waterfalls dekhne ke liye. So without wasting much time, let's get started with the video. Destination where we wanted to reach, and this waterfall is just beautiful. There's so much fog and mist here, and this waterfall looks so dangerous. Worth visiting once here in monsoon. So guys, just have a look at this waterfall. It's just so amazing. Can't be explained in words. So this place was worth visiting in monsoon. I can't vlog much here because of this water droplet. Because phone waterproof nahi hai. But anyways, in this monsoon, this waterfall worth visiting once. So behind me you can see this marvelous Harvalem waterfall. Just have a look guys, just beautiful. So guys, just have a look at this waterfall. So now we are planning to go back home. It's quite slippery here, so be aware and caution. So now we are going upstairs to see if there is some more interesting and beautiful places to go. So let's go up and explore this Harvalem waterfalls. Main kitna baar bol chuka hun, this place in Goa is worth to visit in monsoons. So the temple which you can see behind me is the Rudreshwar temple here at Harvalem. So this temple becomes quite busy during Mahashivratri. So man, this place just needs a visit. I'm telling this again and again because it's just worth visiting once here at Harvalem Falls. So now we are behind this waterfall and walking to these trails. I don't know where it goes. My father is saying there's some bridge. So let's go and see. आज का संडे तो 100% यूज हुआ है. तो हम लोग घर पे रहते थे, बट दिस टाइम दिस संडे वी हैव यूटिलाइज्ड इट वेल टू विजिट दिस वाटरफॉल हियर एट हार्वलेम. आई कुड नॉट व्लॉग मच एट द वाटरफॉल बिकॉज आई वाज लॉस्ट लुकिंग एट द ब्यूटी. एंड इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. मन को अच्छा लगता है. द ब्रिज विच माई डैड वॉज टॉकिंग अबाउट, आई एम वॉकिंग ऑन दैट राइट नाउ. और एक छाता लेके अब व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि बाहर बारिश गिरा है और मेरा फोन वाटरप्रूफ नहीं है. तो चलो चलते हैं. सो नाउ वी आर प्लानिंग टू गो बैक होम. और घर जाते जाते एक केव भी है, हार्वलेम केव. स्पेशली दिस प्लेस इज फेमस फॉर हार्वलेम केव्स, वाटरफॉल एंड टेम्पल. सो आर नेक्स्ट स्पॉट इज दिस हार्वलेम केव्स. सो लेट्स गो एंड विजिट दैट. सो इस ब्लॉग के लिए चाता वाला लड़की है मेरी बहन. तो गलत समय पे बारिश देवता आ गया और हमको व्लॉग करने के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन हम मानने वाले लोग नहीं है. व्लॉग कंटिन्यू करते रहेंगे. सो फार सो गुड. सो दिस इज द रुद्रेश्वर टेम्पल हियर एट हार्वलेम. तो हम लोग वापस जा रहे हैं और इस बारिश में व्लॉग कर रहे हैं इस चाते की सहायता में. एक एक बार बहुत हेल्प करता है.
तो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है हारवालेम केव्स, शायद मैंने बताया है पहले, तो हम लोग उधर जाएंगे और बाद में फिर घर जाएंगे वापस. सो दिस संडे वॉज अ प्रोडक्टिव वन, आई कैन से वंस अगेन. तो हम लोगों ने चल के जाने का प्लान किया इस हारवालेम केव्स या हारवालेम केव्स जो भी बोलते हैं उसको, कि थोड़े लोग ए यूज़ करते हैं और थोड़े लोग एच. एनीवेज मम्मी पापा गाड़ी में आएंगे क्योंकि उन लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, पर हम लोग इस ठंडे ठंडे मौसम में, मतलब बारिश के मौसम में चल के जाएंगे हारवालेम केव्स. तो एक केव्स है वो पांडवस का क्या कहा जाता है, आई डोंट नो द हिस्ट्री, यू कैन गूगल इट डाउन. मैं तो उधर जस्ट जाके एक्सप्लोर करूँगा. मेरे साथ इस हारवालेम केव्स को जाने के लिए मेरे बहन मेरे पार्टनर बनेगी. हाई बिन साम को तो चलो चलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. तो बारिश देवता थोड़ा कम हो गया है मेरे बात सुन के, थैंक यू सो मच. तो इस रास्ते पे कोई नहीं है, सिर्फ हम दो ही लोग चल रहे हैं. मम्मी पापा पीछे है, वो लोग गाड़ी में आएंगे थोड़े समय के बाद. उन लोगों ने बोला कि मेरे को जाके उधर लॉक करके रेडी रहने के लिए. तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, आई थिंक सो ऑलमोस्ट कुछ 10 मीटर रह गया है. और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, यूज़र नेम @ इट्स मी सौरभ गुना जी ने बोला था मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए. तो मेरे बहन ने भी कहा गिव मी अ शाउट आउट टू, सो फॉलो माई सिस्टर टू @ शिवानी गुना जी. दोनों का लिंक, मतलब यूज़र नेम आएगा स्क्रीन पे ऊपर, सो गो एंड फॉलो. सो वी हैव रीच्ड हियर एट दिस हारवालेम केव्स एंड द केव्स विच यू कैन सी बिहाइंड. तो बारिश फिर से आ गई, अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला. सो दिस इज द केव्स. तो कहा जाता है कि पांडवों का कुछ घर या कुछ हुआ गया था, काफ़ी अच्छा है. तो हम लोग इधर कुछ फोटोज खींचेंगे इंस्टाग्राम के लिए. सो लेट्स एक्सप्लोर. ये थोड़ा सिनेमेटिक शॉट देखिए, मेरे मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो आई हैव टू हरी अप द वर्क. दिस केव इज कॉल्ड हारवालेम केव्स, पीछे लिखा हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ. सो जस्ट रीड इफ यू वॉन्ट टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केव्स. तो चलो चलते हैं वापस घर. छतरी के हम पीते रहे तमरे. अभी अभी हम सब लोग घर पे पहुंचे और बॉस आज का दिन एक नंबर था. एनीवेज आई वुड लाइक टू एंड माय टुडेस ब्लॉग हियर. इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू प्रेस दैट लाइक बटन, कमेंट ऑन योर थॉट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अलोंग विद प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑन माय लेटेस्ट ब्लॉग. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्रांड न्यू ब्लॉग.